मुजफ्फरनगर में बिजनौर लोकसभा सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इलम सिंह गुर्जर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने शिवपाल यादव पहुंचे। परिवार और पार्टी में उथल पुथल से परेशान शिवपाल ने मंच से जनसभा को संबोधित करना शुरू किया तो उनकी आवाज से उनका दुख साफ सुनाई दे रहा था। शिवपाल को अखिलेश और गठबंधन का दर्द किस तरह खोखला कर रहा है ये भी दिखाई दिया। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो सैफई में पड़े होते अखिलेश। शिवपाल बोले, अखिलेश ने अहंकार के चलते मुझे गठबंधन से नहीं जोड़ा। मायावती जी का भरोसा किया नहीं जा सकता, आप सब लोग जानते हो। मौलाना हजरत अंसारजा साहब ने बता ही दिया है कि अखिलेश पे भरोसा किया नहीं जा सकता। भाई यार डाउन कर लिया अपने, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री बने साइड में नीचे कर लो यार, और जिनकी वजह से जो भी है नेताजी की वजह से थे अखिलेश यादव, कितने देश में घूम रहे हैं, अखिलेश जैसे मीडिया जाने कितने घूम रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने बाप के कहने से एक टिकट न दिया, हमने तो कुछ मांगा भी नहीं था। अखिलेश पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अगर हमने पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो हो सकता में रह जाता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था। मैंने कुछ मांगा भी नहीं था, सब लोग जानते हो, और मैंने एक बार नहीं इस उत्तर प्रदेश में दो दो बार सरकार बना के दी और नेताजी को मुख्यमंत्री भी बनाया। अखिलेश से भी कहा था इस गठबंधन में मुझे भी शामिल कर लो, मेरी कोई बड़ी मांग नहीं थी, मैं तो दो ही तीन तरह राजी था, और मैंने कहा था दो सीट के अलावा, मैंने कहा था एक फिरोजाबाद एक इटावा, और इसके अलावा तुम्हारे पास अगर मजबूत प्रत्याशी ना होगा वो सीट हमें दे देगा। फिर मैंने कांग्रेस से भी कहा, मैं ये बताना चाहता कांग्रेस से भी कहा दो सीट मुझे दे दो, इटावा और फिरोजाबाद, उसके अलावा मुझे दे देना जहां तुम्हारे पास प्रत्याशी न हो वो सीट हमें दे देना, हमारी ये मांग थी। अगर ये सब एक हो जाते तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश से देश में रह जाती? नहीं रहती, हट जाती। शिवपाल से जब मुलायम सिंह को समर्थन देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो तो नेताजी के साथ खड़े हैं। साथ ही अखिलेश पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश का अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब हमको सरकार ये भारतीय जनता पार्टी को हटाना नहीं था, अगर ये सब गठबंधन में ले लेते तो ये निश्चित भारतीय जनता पार्टी इस देश से हट जाती। सर नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल नेताजी का साथ, नेताजी को हमारा समर्थन, एक सीट पर नेताजी को समर्थन, और शेष सीटों पर जो हमसे अलायंस किया है बहुजन मुक्ति पार्टी और पीस पार्टी, और कम से कम 50 छोटे छोटे दलों का मुझे समर्थन प्राप्त है। अब पूरा देश जानता है अहंकार की वजह से तो आज उनकी स्थिति है, नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न होते। अहंकार बड़ों बड़ों का नहीं चला है, इतिहास गवाह है, रावण का नहीं चला, कंस का नहीं चला, किसी का नहीं चला। कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल न करने के अखिलेश के फैसले से शिवपाल कमजोर हालात में दिख रहे हैं। कहा जाता है कि चुनावी रण में कब क्या हो जाए तय कर पाना मुश्किल है। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किसको आगे लेकर जाती है और चुनावी दंगल में किसे धोबी पछाड़ मिलती है। मुजफ्फरनगर से फलकुमार की रिपोर्ट।